महीना है ये जो हफ्ता है बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल ही नहीं बना पा रहा हूँ और फाइनली ब्लॉग कंटिन्यू नहीं डाल पा रहा हूँ। और क्या उसके पीछे रीजन है, होता है ना पेरेंट्स मम्मी पापा जो होते हैं ना यार, मतलब इन लोगों का जो प्यार है ना इसको आप कहीं पर खरीद नहीं सकते। अभी वाइफ आ गई तो थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, वरीड फील कर रहा हूँ, सैड फील कर रहा हूँ कि मम्मी का तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है अभी, तो चलिए देख। हेलो गाइज, गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मानस कुमार और फिर से आप लोगों का एक नया वीडियो लेके आया हूं आफ्टर ए ह्यूज गैप। एक्चुअली आज है ट्यूसडे, आपका 15 फरवरी है और एक्चुअली मैं बिना थोड़ा अभी ये जो महीना है ये जो हफ्ता है बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल ही नहीं बना पा रहा हूं। और फाइनली अभी आज शायद 2 दिन या 3 दिन बाद मेरा ब्लॉग ये आने वाला है। एक्चुअली क्या मैं थोड़ा सा बिजी था, और जो लोग मेरी वीडियो को लास्ट वीडियो देखे होंगे सबको पता होगा कि मैं क्यों एक्चुअली ब्लॉग कंटिन्यू नहीं डाल पा रहा हूं और क्या उसके पीछे रीजन है। तो चलिए फिर मैं एक बार और बता देता हूं कि फाइनली मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि मम्मी के लिए हम लोग ब्लड बहुत ढूंढ रहे थे, ब्लड डोनर ढूंढ रहे थे, पॉजिटिव ब्लड चाहिए था, और फाइनली आज मम्मी को जो 2 यूनिट ब्लड चाहिए था वो चढ़ चुका है और मम्मी का जो हीमोग्लोबिन लेवल है थोड़ा सा मतलब सेफ जोन से ऊपर थोड़ा सा आ गया है। तो फाइनली अभी मम्मी का मतलब थोड़ा और अभी भी वो लेबर रूम में ही है, ऑब्जर्वेशन चल रहा है उसका, बाकी जैसे उसका शुगर वगैरह हो गया, उसका थायराइड पर टेस्ट हो गया, वो सब चल रहा है। उसके बाद एक डीएनसी सर्जरी होने वाला छोटा वाला, तो देखते हैं अभी क्या है लाइफ में। और काफ़ी मैं थोड़ा सा बहुत ही एक्चुअली बिजी शेड्यूल मेरा चल रहा है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक। मम्मी तो अभी लेबर रूम के ही अब वार्ड में भी शिफ्ट नहीं हुए, तो काफ़ी हम लोगों को काफ़ी भाग दौड़ करना पड़ रहा है। पापा तो वहीं पर रात में ही होल्ड कर रहे हैं, मैं दिन भर इधर उधर होता रहता हूँ, दिन में जाता हूँ फिर शाम को आ जाता हूँ। तो फिर बात यह है कि मतलब मैं सुबह से लेके मेरा 7 बजे से उठ के मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो खाना लेना आना, डॉक्टर के साथ काउंसलिंग में बैठना, फिर इधर उधर की भाग दौड़, तो काफ़ी मतलब बिजी छुट्टी हो गया, इसलिए ब्लॉग तो बिल्कुल ही बना नहीं पा रहा हूँ। और थोड़ा सा आज थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ क्योंकि मम्मी का थोड़ा जो हेल्थ है वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, बढ़िया एक्चुअली। तो फाइनली सोचा कि एक बात ब्लॉग बना के आप लोगों को थोड़ा इंटीमेट कर देता हूँ कि क्या अभी चल रहा है। तो फाइनली सब कुछ आज के डेट पर बहुत ही बढ़िया, और मैं सोच रहा हूँ कल से ना डेली ब्लॉग बनाऊंगा एक्चुअली, क्योंकि थोड़ा मम्मी का हेल्थ ठीक हो गया। और ऑलमोस्ट कल चांसेस है कि जो TSH फाइनल अगर रिपोर्ट स्टेबल आ गया तो कल DNC सर्जरी करवा के कल डिस्चार्ज करने का काफ़ी चांसेस है, देखते हैं। तो कल अगर नहीं होगा तो परसों डेफिनेटली एक्चुअली डिस्चार्ज हो जाएगा। और फाइनली मैं मतलब लास्ट फ्राइडे को तो ड्यूटी गया था, उसके बाद सैटरडे से अभी तक छुट्टी पे हूँ एक्चुअली, लीव पे हूँ मैं, तो देखता हूँ कब मुझे ड्यूटी जा पाता हूँ। और ब्लॉगिंग का जो है सोच रहा हूँ कल से कंटिन्यू करूंगा, तो होपिंग आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए एक्चुअली। और जो लोग मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो हमें मेरे पास्ट का वीडियो सब देख सकते हैं, मेरा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने शेयर कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात नीचे जो सब्सक्राइब बटन होगा उसको हिट कर लीजिए, और ताकि मेरे चैनल से आप जुड़ सकेंगे, और बगल में जो बेल बटन होगा उसको हिट कर लीजिए ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ सके। और बाकी बात करूँ तो आ रहा बहुत ही बढ़िया है, नैन्सी भी बहुत ही बढ़िया, उसका कुछ एडमिट कार्ड अभी आने वाला है, तो आज लेने जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया बिजी शेड्यूल के चलते, बट उसका एग्जाम अभी चालू हो जाएगा। बाकी पापा भी सब घर में सब बहुत ही बढ़िया, होपिंग आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और चलिए मैं एक्चुअली आज सोचा कि ये 2-3 मिनट का एक वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर लेता हूँ, और कल से अपन जो है कंटिन्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, तो होपिंग आप लोगों के साथ वीडियो में बने रहिए। और मिलते हैं हम लोग कल एक नए ब्लॉग के साथ, सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव के साथ, देखते हैं कल को, होपिंग कल सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मम्मी का रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल आ जाएगा तो मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करूंगा एक्चुअली, और ब्लॉगिंग में कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा। और एक दिल की बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ यार, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ना, पेरेंट्स मम्मी पापा जो होते हैं ना यार, मतलब इन लोगों का जो प्यार है ना इसको आप कहीं पर खरीद नहीं सकते एक्चुअली। दुनिया में मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है, आप कोई भी चीज़ हो ना पैसा देके खरीद सकते हो, लेकिन माँ बाप का जो प्यार होता है ना खरीद नहीं सकते। तो इसीलिए मैं यार मम्मी का थोड़ा सा हेल्थ ठीक खराब हो गया तो काफ़ी थोड़ा सा वरीड हो गया, क्योंकि मैं इकलौता लड़का हूँ और पेरेंट्स हैं अभी तक, तो उन्होंने मेरे लिए जितना कुछ किया है ना वो सब बहुत ही ये है, तो मैं सोच रहा था कि मेरे लिए कुछ कर पाऊँ एक्चुअली। और अभी यहाँ पे मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो देखते हैं अभी क्या माहौल है, कैसे क्या है, सब कुछ है। और अभी वाइफ आ गई तो थोड़ा सा मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो इस वीडियो को यहीं पे कंट्रोल करते हैं और देखते हैं, मिलते हैं कल एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, और आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो अभी मैं एक्चुअली वाइफ अभी बगल में बैठी है और उसने बोला कि आई वॉन्ट टू हियर व्हाट यू आर सेइंग अबाउट योर पेरेंट्स। तो मम्मी ने उसने बोला कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्या बोलना चाहते हो, क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, मैं थोड़ा सुनना चाहते हो, तो बगल में बैठी है और मैं फिर से बोलने के लिए रेडी हो गया हूँ।
जस्ट पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा था कि यार मैं जैसे इकलौता लड़का हूँ ना, तो मुझे अभी फील हो रहा है यार, क्योंकि पेरेंट्स ने जैसे पेरेंट्स का जो प्यार होता है ना, मतलब वो बिना सेल्फनेस वाला होता है यार। उसके पे जो कोई भी ऐसा कोई रीजन होता नहीं एक्चुअली, और जिन लोगों के पास माँ बाप नहीं है वो सब उसके उसको उनको पूछेंगे तो पता चलेगा एक्चुअली। बाकी दुनिया में आप कोई भी चीज़ हो यार खरीद सकते हो, लेकिन माँ बाप का जो प्यार वगैरह होता है ना वो सब आप कभी नहीं खरीद सकते। इसलिए जब तक माँ बाप आपके लोगों के साथ हैं, खासकर मेरे साथ हैं, तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने मेरे लिए अभी तक जितना किया है वो सब, मतलब उसको तो मैं उनको वापस नहीं कर सकता, लेकिन जो भी मेरे से बन रहा है ना मैं कर रहा हूँ। और थोड़ा सा वरीड फील कर रहा हूँ, सैड फील कर रहा हूँ कि मम्मी का तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है अभी। तो चलिए देखते हैं आगे, और कल से हम लोग नया ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, तो होपिंग आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।